वैसे कलाकार तो मैंने बहुत देखे हैं, पर तुम उन सबसे बड़े कलाकार हो। गांव छोड़कर कहाँ जाएंगे सोचकर मुझे टेंशन हो रही है, और तुम रास्ते पर डांस कर रहे हो। ठीक है, चलते हैं ना। गाड़ी में बैठो। आ जाओ आ जाओ। प्लीज चलो चलो। तुम टाइम की बहुत पक्की हो ना, ऐसे ही टाइम को मेंटेन करके मुझे पटाया था ना। फिर शुरू हो गए ना, मेरी टांग खींच रहे हो। छोड़ो ना यार, जो हो नहीं सकता उसके बारे में बात क्यों कर रही हो। हाँ, वैसे भी यहाँ टांग खींचने की जगह कहाँ है, और वैसे भी अगर मैंने तुम्हारी टांग खींच के तुम्हें लिटाया भी, तुम चुप बैठोगी क्या? तुम्हारे बातें ना हॉट जमाने की कूल आइसक्रीम की तरह है। बस हो गया, डबल मीनिंग वाली बातें मत करो। ठंडी ठंडी हवाओं ने तो मेरी हालत ही खराब कर दी है यार। ओहो, इतनी ठंड लग रही है तो दूर क्यों खड़े हो? ये भी बात सही है, सुबह सुबह की ताजी ठंडी हवा लेने से ना हमारी सेहत भी अच्छी हो जाती है, लेकिन हम जैसे कुंवारों के मन में ना अजीब तरह के ख्याल आते हैं। अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रहे हो? मैं कहाँ बड़बड़ कर रहा हूँ, ठंडी हवाओं की वजह से तुम्हारा कान जाम हो गया है। हेलो कुंवारे लड़के, ठंडी हवा में किसकी हालत खराब हो रही है ये सब पता चल रहा है मुझे। चलो चलो चलो, चलेंगे बाबा चलो। क्या हुआ जी, तुम दोनों इतना चिल्ला क्यों रहे हो? क्या हुआ तुम दोनों को? मैं वहाँ इतने आराम से सोया हुआ था, और तुम दोनों ने चिल्ला चिल्ला कर मेरी नींद हराम कर दी। क्या चिल्ला रहे हो तुम लोग? नलिनी श्री, नलिनी श्री। अगर इस तरह से चिल्लाओगे तुम दोनों तो किसी को भी हार्ट अटैक आ जाएगा। सभी प्रेमियों की यही एक परेशानी है, खाली जगह मिलते ही एक दूसरे का नाम लेकर चिल्लाने लगते हैं। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, तुम लोग चिल्लाना बंद कर दो। अगर तुम लोग ऐसे चिल्लाते रहोगे ना तो मैं अपने कपड़े फाड़ के तांडव शुरू कर दूंगा। तैयार हो जाओ, मैं शुरू हो रहा हूँ। नलिनी, ये क्या लाई हो? मैंने सोचा कि बैग भर के खाना लाई होगी, लेकिन खाने के बदले तुम सोना लेके आई हो। तुम इंसान हो क्या? मतलब भगवान हो, भगवान। पिछले जन्म में जरूर मैंने कोई अच्छे काम किए होंगे, उसका फल आज मिल रहा है। तुम लड़कियां अपने चाहने वालों को भी छोड़ सकती हो, अपने परम पूज्य पतिदेव को भी छोड़ सकती हो, लेकिन सोना नहीं छोड़ सकती हो ना। एक क्वेश्चन पूछूं? कमाल है, तुम्हें मना कर सकता हूँ, वो तुम्हारा हक है, पूछो। हाँ, मुझसे पहले तुम्हारा कितनी लड़कियों के साथ अफेयर रहा है? ये तुम्हारा क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन पूछ के तुमने मेरा दिल दुखा दिया। तुमसे पहले मेरे कितने अफेयर्स थे, पर मेरा उनसे सच्चा प्यार था या नहीं ये तुमने नहीं पूछा। क्या तुम्हें मुझ पे जरा भी भरोसा नहीं? तो मुझसे पहले तुमने किसी से सच्चा प्यार नहीं किया? ऐसा मैंने कब कहा? मेरी पास्ट लाइफ एक बायोपिक फिल्म जैसी। हाई स्कूल में एक लड़की से प्यार किया, पीयूसी में भी एक लड़की से प्यार किया, डिग्री में भी एक लड़की से लव हो गया। हाई स्कूल का प्यार आकर्षण था, पीयूसी वाला लव समर्पण था, डिग्री वाले प्यार में विसर्जन हो गया। ओके। हाई स्कूल में मैंने एक लड़की को कविता लिख कर दी थी। इज इट? क्या लिखा था? तुम नहाकर लिपस्टिक लगाकर जब बाहर आती हो तो एकदम आग जैसी दिखती हो, लेकिन बारिश में जब भीग जाती हो तो सूखी हुई साफ लगती हो। बाहर में जाके शहद पूजा, लड़कियां बैंगलोर की रोड जैसी होती है, सुबह तक तो ठीक रहती हैं, शाम को निकल जाती है। एक शायरी बोलूं? ये काली घटा जैसी जुल्फे और प्यारी मुस्कान, हर एक लड़की में हर एक प्रकार, तरह तरह की लड़कियों की है हंसी, आपकी ये हंसी दिल में लगाई है यार। ओहो, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। ओ, अरे क्या कहा? हाँ?
नलिनी। नलिनी क्या है श्री? बस एक बार हग कर दो ना प्लीज। चलो चलो। हंसते हुए मार रही हो और ये गला क्यों दबा रही हो? आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे लिफ्ट दी। आई एम रेडी सर, आई एम रेडी सर। मुहूर्त का टाइम निकल रहा है सर, आई एम रेडी। थैंक यू मैडम। दरवाजा तो बंद कर। थैंक यू सर। आप दोनों भाई बहन है क्या? आप दोनों तो पक्के लवर्स लग रहे, एक नंबर। लवर्स। करेक्ट पॉइंट। सर वो क्या है कि मेरे पापा मेरी शादी जल्दी से करवाना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने पंडित जी से बात करके शादी का मुहूर्त भी निकाल लिया है। पता है किस लिए? फर्स्ट नाइट के लिए। सर फर्स्ट नाइट का सुन के ऐसे रिएक्शन मत दीजिए सर। आगे सुनिए सर, फर्स्ट नाइट का मुहूर्त जरूरी होता है। ओके। फर्स्ट नाइट में जो होना था वो तो हो चुका। वो क्या है कि सर, टीवी पर एक ऐड आता है सर, यूपीएस वाला, आदमी बिस्तर की तरफ बढ़ता है, लाइट ऑफ हो जाती है, देखा है ना सर? सर मेरा भी सेम ऐसा ही होता है। तू मेरी सोनी मैं तेरा सोना, तू मेरी सोनी मैं तेरा सोना, चांद जैसे मुखड़े पे बिंद दिया सितारा, चांद जैसे मुखड़े पे बिंद दिया सितारा, आज मेरी नहीं नहीं नहीं, आग को जल्दी नहीं बुझाना चाहिए। मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, तुम्हें क्या हो रहा है मुझे बताओ, इधर आओ। ओ मेरी जानू, खेलेंगे हम रॉकेट और परमाणु, आ रहा हूँ मैं तेरे पास। अब ऐसे ही रोते रहो तुम, इसको तो मैं। आप हंस रहे हैं सर, मैं अब कुछ नहीं कर सकता इसलिए हंस रहे हैं ना। मुझ में अभी जोश बाकी है सर, बिल्कुल जोश सर, इसलिए पंडित जी ने मुझसे कहा है कि मुझे अब फर्स्ट डे मनाना चाहिए। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, मेरे सपनों की रानी जल्दी आ जा। मैं आ गई हूँ, जरा चुप हो जाओ प्लीज। मेरी बाहों में आ जा। मेरी जाने तमन्ना, आज मौका है और दस्तूर है, आज मैं आग लगा दूंगा, तू देखना, आ जा मेरे पास। आप कुछ ना कुछ जरूर करोगे, इसलिए मैं पहले से तैयार होके आई हूँ। ये देखो। ए, तू मेरे लिए रस्सी लेकर आई है? ये अच्छी बात नहीं है, रस्सी में तो तू मुझे बांधेगी, मैं तुझे बांधूंगा, तू मुझे बांधेगी, मैं तुझे बांधूंगा, तू मुझे बांधेगी, ऐसा नहीं मुझे बांधूंगा। एक बार पहले भी आपने गड़बड़ कर दिया था ना, पर इस बार मैं आपको भागने नहीं दूंगी। अच्छा? आप कुछ गड़बड़ ना कर पाए इसलिए मैं रस्सी लेके आई हूँ। नहीं मैं कोई गड़बड़ नहीं करूंगा, मैं सच कह रहा हूँ, कोई गड़बड़ मैं नहीं करूंगा। अरे मुझे बांध मत, मुझे बांध मत। अरे उछल रहे हो ना। अरे मत बांध मुझे, शांत रहो, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं आज। पकड़ना, छोड़ना मत। मैं आपके लिए दूध लेके आती हूँ, तब तक आप ऐसे ही लेते रहो। मेरे सोना कॉलर, सोना जल्दी आना। क्या बेटा, दिवाली है इसलिए बहुत खुश हो रहा है क्या? इसलिए नहीं भैया, आज मेरे मामा की सुहागरात है। कौन से रूम में? ये देखो, ये रूम रहे हैं, मगर चुपके चुपके ये क्या गिरा? बॉम्ब! अरे बाप रे बॉम्ब! अरे बचाओ बॉम्ब! लगता है मेरा वक्त से पहले ही रिटायरमेंट हो जाएगा, मैं कभी मोहब्बत नहीं कर पाऊंगा। सब खत्म हो गया, आज भी गड़बड़ हो गई। Oh my God! मैं कुछ नहीं कर सकता इसलिए मुझ पर हंस रही है ना।
हंस लीजिए हंस लीजिए। स्वामी जी ने मुझसे कहा है कि मैं बहुत जल्द ही दिन और नाइट दोनों में बवाल मचाऊंगा। जब से शादी हुई है उस दिन से लेकर आज तक मैं अपनी फर्स्ट नाइट नहीं मना पाया हूँ, इसीलिए पंडित जी ने कहा कि आज का मुहूर्त बहुत अच्छा है, लगभग दोपहर तक मुझे वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। दोपहर से भी वो मेरा इंतजार कर रही है। सर 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 रुकिए, मेरा गांव आ गया सर, बस रोक दीजिए। चढ़ गया ऊपर रे अटरिया पे लोटन कब। ओके सर, बाय सर। ओके मैन, हैव अ सक्सेसफुल फर्स्ट डे। धन्यवाद सर। सर वैसे आप फर्स्ट नाइट में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। तू निकल यहाँ से जल्दी। ओके सर, बाय सर। थैंक यू सर, बाय। थैंक यू सर, फिर मिलेंगे। थैंक यू सर। चढ़ गया ऊपर रे अटरिया पे लोटन। ओ मुर्ग यो, भगवान, लगता है मेरी फर्स्ट नाइट कभी पूरी नहीं हो पाएगी, ना फर्स्ट दोपहर कभी पूरी हो पाएगी। मर गया। तो ये क्या मच्छर है, जगह चुन चुन के काटते हैं। अरे मामा, आपको कितनी बार कहा कि नारियल पानी के बीच में अपना सर रख के मत सोइए, नहीं तो मच्छर काट लेगा। अरे बाप रे, इतनी ही नींद आती है तो घर पे जाके सोइए ना, टकलू कहीं का। मैं क्या करूं, नारियल पानी के बीच नहीं सोऊं तो मुझे चैन नहीं आता। इस नारियल पानी से मेरा जन्मों जन्मों का संबंध है। अबे टकलू, जन्मों जन्मों का संबंध नहीं है, नारियल पानी के बीच में सोओगे तो मेरा धंधा ठप नहीं हो जाएगा। अबे कहीं जाके डूब मर, भाग ऐसे, भाग। हाँ ठीक है, इस पर इतना चिल्ला क्यों रहा है? पता नहीं कहां जा जाते हैं। नसीब में लिखे हैं ये। बेटी के साथ ही नारियल पानी का बिजनेस इसे देकर गलती कर दी। तुमने अपने मामा के सर पे मारा तो ऐसे टन करके आवाज क्यों आई? भाई जब लोहे से लोहा टकराता है तो ऐसी ही आवाज आती है। मेरे मामा का सर लोहे का, एकदम खरे लोहे का है। मेरा भांजा तो मेरे गंजे सिर की बहुत पब्लिसिटी कर रहा है। किसी भी त्योहार पर कोई भी खेल खेलने में मेरे मामा बहुत फेमस है, उन्हें आज तक कोई नहीं हरा पाया। मेरी मामी भी हैं, मेरे मामा को नहीं हरा पाई आज तक। मेरे मामा अपने सर से किसी भी पत्थर को चूर चूर कर सकते हैं। इस पूरे गांव में मेरे मामा को हराने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है। इस गांव में सभी लोग मेरे मामा से बहुत डरते हैं, थर थर कांपते हैं। ये लीजिए, आप भी लीजिए। ये क्या श्री, इस मंदिर में तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। कोई क्यों नहीं है नलिनी, महादेव है ना। मेरा मतलब उनके अलावा और कोई भी नहीं है। मैं भी तो हूँ। पागल, पागलों जैसी बातें मत किया करो, चुप रहो। सिर्फ आप ही नहीं, मैं भी यहाँ पर हूँ। सर इस मंदिर में कोई इंसान ही रहता क्या? यस, यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं है, मैं भी तो जंगल से भागा हुआ बंदर हूँ। अरे अरे भागो, ये जंगली बंदर है, निकलो जल्दी। ए, रुक जाओ। शट अप भाई से। आपने अपने आप को बंदर कहा इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया था। कौन है सर आप? मैं ही इस भगवान का पूजा करने वाला पुजारी हूँ, मनुष्य। पुजारी? इन कपड़ों में? कोई सूट बूट हैट पहनकर पूजा करता है क्या? क्यों? पुजारी सूट बूट में नहीं हो सकते, ऐसा कोई कानून है क्या? इतना ही नहीं, हमारे भगवान की एक बहुत बड़ी खासियत है, हमारे भगवान इसी सूट बूट को पसंद करते हैं। हमारे भगवान का पूरा नाम क्या है पता है? तो ठीक से सुनो, मॉडर्न लिंगेश्वर। अपने घर वालों का भला करवाना चाहते हो ना, तो मुंह क्या देख रहे हो, चलो मंगल आरती करवा देता हूँ। ये मॉडर्न लिंगेश्वर तुम दोनों का कल्याण करेंगे, चलो 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 चलो। शंकर भोले श्री लिंगेश्वर गौरी गणेश हरे, आरती लो। लगता है पैसे नहीं लाए, ये लो स्वाइप करो। ये क्या है पंडित जी? स्वाइप मशीन। मंगल आरती में डालने के लिए आपके पास पैसे नहीं है ना, तो इसमें कार्ड स्वाइप करो। बिल्कुल चिंता मत करो, ये मॉडर्न लिंगेश्वर हैं, आप इनसे जितना मांगोगे उसके हिसाब से इसमें कट होगा। चलो कार्ड स्वाइप करो। हमारे पास कार्ड भी नहीं है। मंदिर में सिर्फ घूमने के लिए आए हो क्या? तुम जैसे लोग भगवान के मंदिर में भगवान की पूजा करके उनका आशीर्वाद लेने के लिए नहीं आते हैं, शौक से मौज मस्ती करने के लिए आते हैं। घूमने फिरने के लिए पैसे होते हैं, क्लब में और पब में जाकर उड़ाने के लिए पैसे होते हैं, फिल्म देखने में पैसे उड़ा दोगे, और बड़े बड़े होटल में जाकर बिना दूध वाली कॉफी के लिए और पिज्जा बर्गर चिकन मटन ये सब खाने के लिए 200-500 रुपया ऐसे ही उड़ा दोगे। गर्लफ्रेंड के लिए फालतू के गिफ्ट लेने में खर्च कर दोगे। इतना ही नहीं,
बेवजह की पार्टी करके फालतू के पैसे बर्बाद कर दोगे, दुनिया भर के पैसे गलत आदतों में उड़ा दोगे। रोज शॉपिंग करने के लिए और नए नए टी शर्ट जीन्स पैंट ये सब खरीदने के लिए पैसे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ भगवान के प्रतिनिधि होकर अपने काम काज सब छोड़कर आप लोगों की एप्लीकेशन भगवान के पास ईमानदारी से पहुँचाने का काम करते रहते हैं। उसके बदले हम क्या मांगते हैं? थोड़ा सा दक्षिणा, और वो भी कितना मांगते हैं? आपकी योग्यता के हिसाब से 100 रुपए, 50 रुपए, 10 रुपए, 1 रुपया, और यहाँ आकर तुम लोग इस तरह टाइम पास करके चले जाते हो। तुम लोगों को शर्म भी नहीं आती क्या? ये चलेगा क्या? यहाँ ना खाली हाथ बहुत लोग आते हैं, इसलिए बोलने की आदत पड़ गई है। आप लोग बुरा मत मानिएगा, वो सब छोड़ो। अब मैं आपके नाम की मंगल आरती करता हूँ। मुझे कोई आरती नहीं चाहिए, बस सिर्फ दिल से पूजा कर दीजिए। शंकर शशिधर गौरी, हमारी पूजा क्यों कर रहे हो? भगवान की करो ना। इस सुपर जोड़ी को वापस आने तक तालाब से पानी लाकर मंदिर को चारों तरफ से धोकर शुद्ध करूंगा और एक और 500 रुपए की नोट ले लूंगा। अरे रे मॉडल लिंगेश्वर, रोज सुबह उठकर मैं आपका चेहरा देख रहा था, लेकिन आज मैंने अपना चेहरा देख लिया। आश्चर्यजनक लाभ हुआ, आश्चर्यजनक लाभ हुआ। अब आगे से मैं रोज सुबह सुबह अपना चेहरा ही देखकर मंदिर आया करूंगा। कितने ग्राहक मिलेंगे? हाँ, अरे वो तो जा रहा है। अरे रुक जाओ, स्पेशल पूजा करवा कर जाओ, रुक जाओ। अरे भगवान, मॉडल लिंगेश्वर, आज के बाद मैं भूल कर भी कभी अपना मनहूस चेहरा देखकर नहीं आऊंगा। दूसरों के पैसे का लालच करूंगा तो ऐसे ही मुंह गोबर में जाएगा। यहीं पर रुकते हैं। प्लीज इसे क्या हो गया? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ,